Assalamualaikum. गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो गाइस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। गाइस आज का ब्लॉग थोड़ा चेंज है, तो पहले करते हैं सहरी। मतलब मुझे जो है कल का रोज़ा रखना है। अभी जो है मतलब टोटली जो अगर टाइम हो रहा है अभी जो है 4 या 4:30 करीब हो रहे हैं। तो अभी जो है भाईजान ने मेरे लिए बाहर से जो है ब्रोस वगैरह मंगवाया था, कि भाईजान ने कहा कि कल आप रोज़ा रखेंगे तो ब्रोस वगैरह मंगवाया था मेरे लिए। तो जो है अभी मैं जो है कर रहा हूँ सहरी, फिर सहरी की बात आगे आपसे शेयर करूँगा। तो आ जाइए। यहाँ पर जो है भाईजान ने ब्रोस्ट वगैरह मंगवाया था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, क्योंकि मुझे सहरी करनी थी। तो भाईजान ने कहा कि जो है मैं मंगवा के दे देता हूँ आपको। तो बस अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सहरी। तो गाइस मैंने कर ली है सहरी और अब मैं जा रहा हूँ फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए। और फिर फजर की नमाज़ पढ़ने की बात आता हूँ तो फिर आगे की मैं आपसे शेयर करूँगा। ओके गाइस, अस्सलामुअलैकुम। फ्यू मोमेंट्स लेट। तो गाइस मैं आ चुका हूँ नमाज वगैरह पढ़कर। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, और जो है फिर सोने के बाद जो है जब उठूँगा तो फिर आगे मैं आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि अभी तो जा रहा हूँ बस। मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली है फजर की और अब मैं जा रहा हूँ बस सोने के लिए। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोग मेरी वीडियोज़ लाइक करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं। और आप चलें दोपहर में जब मैं उठूँगा तो फिर उसके बाद आपसे बात करूँगा। 3 hours later, a few moments later. तो गाइस मतलब मैंने जोहर वगैरह की नमाज़ पढ़ ली थी और अभी जो है असर वगैरह की अजानें हो रही हैं। तो मम्मा ने कहा कि आप नमाज़ वगैरह पढ़ लो, फिर अफ्तारी वगैरह लेने जाऊँगा मैं। तो अभी जो है अफ्तारी वगैरह लेने जाऊँगा, फिर उसके बाद आपको रीडिंग शेयर करूँगा और फिर रोज़ा अफ्तार करूँगा, तो वो भी आपको दिखाऊँगा। तो आ जाइए। अभी जो है अजान वगैरह का इंतज़ार कर रहे हैं, तो फिर आवाज़ें निकालना शुरू। अभी अजान हो गई, हो गई, फिर झूठ, फिर झूठ। भाई अभी से पानी क्यों लेकर आ गई? मेरे सामने से जूस वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके जाओ, आप सामने जाके रखो, मेरा रोज़ा है, क्या हो गया? ये देखिए फिर दोबारा लड़ना शुरू। यहाँ पर जो है अफ्तारी में मैंने बहुत कुछ बना लिया था, तो बस उस वक्त जो है मुझे थोड़ा थोड़ा रोज़ा लग रहा था, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा। A few moments later. तो गाइस मैंने कर लिया है, मैंने खोल लिया है रोज़ा। और आपको पता है गाइस कि रोज़ा खोलने के बाद तो बिल्कुल ये कैसे गिर गया कवर। तो जो है ना रोज़ा खोलने के बाद तो बिल्कुल ऐसी हालत हो जाती है कि मतलब बस सुस्ती सुस्ती आती है, कि इंसान बस बैठा वगैरह रहे। खदे, कितनी ओवर एक्टिंग करता है तू, और थोड़ा रेस्ट कर ले। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती मतलब उठने की। और आपको पता है गर्मियों के रोज़े तो होते भी ऐसे हैं, तो बस हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी उठने की। तो अब मैं जो है मैंने रोज़ा वगैरह खोल लिया है, अब मैं जा रहा हूँ नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए मगरिब की, चूँकि मगरिब की अजान हो चुकी है। तो नमाज़ वगैरह पढ़कर आता हूँ मगरिब की, तो फिर उसके बाद आखिर में आपसे शेयर करूँगा। ओके गाइस, अस्सलामुअलैकुम। गाइस हम लोग मैं जो है मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली हूँ, नमाज़ वगैरह से फारिग हो चुके हैं। और उसके बाद जो है आज मैंने मम्मा को कहा, मम्मा आज चाट वगैरह दिल खाने का दिल चाह रहा है। तो अभी मतलब रोज़ा वोज़ा खोला था और रोज़े के अंदर इतना कुछ नहीं खाया गया। मैंने कहा मम्मा आप ज़्यादा कुछ मंगवाए भी नहीं। मम्मा ने घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें बना ली थी, ब्रेड रोल, दही बड़े वगैरह, पापड़ वगैरह, बहुत सी चीज़ें मैं आपने देखी है, अभी मैंने वीडियो के अंदर दिखाया है, काफ़ी सारी चीज़ें मम्मा ने बनाई हुई थी। सीधे हो जा, ज्यादा मेहनत मत कर सीधे। मैंने कहा मम्मा एक चाट की कमी रह गई थी और चाट खाने का हमारा बहुत दिल चाह रहा था। मिस्टर वाड़ी की चाट खाते हैं, बहुत मजे की होती है इनकी चाट, आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो बस मैं अभी जा रहा हूँ बाहर कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, तो चले आ जाए आगे का आपको दिखाते हैं। तो आ जाइए। यहाँ पर जो है मिस्टर वाड़ी की जो है मतलब ठस्टी के बराबर में ये इनकी शॉप, और यहाँ पर जो है मैं चाट वगैरह लेने के लिए आया था। इनकी चाट और गोलगप्पे दोनों ही बहुत मज़े की होती हैं चीज़ें। तो देखिए अभी मज़े मज़ेदार चाय चाट बन रही है, चाय बोल रहा हूँ आप लोगों को चाट बन रही है, देखें कितने तरीके से बना रहे होते हैं। और अभी मैं ये बिलिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर पैसे वगैरह दे रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ, उसके बाद जो है देखें बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से जो है ये बना रहे होते हैं और बहुत मज़े की होती है। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं गोलगप्पे बन रहे हैं, वो बड़े ज़बरदस्त और बहुत मज़े के लगते हैं। ऐसी चीज़ें चटपटी खाने का दिल चाह रहा था मेरा, मैंने कहा मम्मा मैं लेकर आता हूँ मिस्टर वाड़ी की, बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से बना। तो गाइस मैं आ चुका हूँ
सामान वगैरह लेकर, चाट वगैरह लेकर और गोलगप्पे वगैरह लेकर, और फिर अच्छा लगता है मतलब गोलगप्पे चाट वगैरह। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं गोलगप्पे किस किस को पसंद है और चाट किस किस को पसंद है। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी मदर को भी बहुत पसंद है, तो जो है क्या कहते हैं इसको, तो मैं अभी वही लेने के लिए गया था। तो चले पहले वो इंजॉय करते हैं, इससे पहले जो है इसका मज़ा ख़राब हो। तो आ जाइए, ये देखिए ये कितनी मज़े की चाट हो रही है, आ जाइए आप लोग भी खा लें साथ मिलके, और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इनकी गोलगप्पे और चाट, दोनों चीज़ें बहुत मज़े की। गाइज आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियोस पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, और कुछ सब्सक्राइबर मेरे ऐसे भी हैं जो कि मुझे जो है मतलब अभी मैं बाहर वगैरह गया हुआ होता हूँ, अगर कुछ सामान वगैरह बॉलीवुड वगैरह गए हुए थे अभी हम लोग मार्ट वगैरह गए हुए, तो वहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर मेरे मिलते हैं और बहुत तारीफ करते हैं मेरी ब्लॉग की। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब कुछ आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, बस इसी तरीके से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें, और मैं चाट भी इंजॉय करता जा रहा हूँ और आपसे बात भी करता जा रहा हूँ। गाइस मैंने चाट वगैरह खा लिया, गोलगप्पे वगैरह खा लिए हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़े मतलब मेरे फेवरेट हैं, मतलब मेरे फेवरेट ही ये चीज़ें ऐसी मतलब देसी टाइप की चीज़ें, तो जो है गोलगप्पे वगैरह, चाट वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, इस तरह की चीज़ें, तो समझ लें मतलब चटोरा बहुत हूँ मैं। आज मम्मा हमारी मैं मम्मा जान जो है आज बना रही हैं कोफ्ते, तो नरगिसी कोफ्ते, नरगिसी कोफ्ते बना रही हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप लोग यही बोलते हो कि सब कुछ ही पसंद है मुझे, बाकी में मुझे सब कुछ मम्मा के हाथ की जो चीज़ होती है मुझे हर कुछ पसंद है अपनी मम्मा के हाथ का, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो सादी रोटी क्यों ना हो, मुझे अपनी माँ के हाथ की हर चीज़ पसंद है। तो गाइज़ ये क्या होता है कि जो है ना अभी हम जो है अपने कज़न वगैरह के घर पे जो है रोज़ा अफ्तार करने गए थे, तो वहाँ पर रोज़ा अफ्तार करने गए तो क्या हुआ कि जो है ना मतलब मेरे कज़न ने जो है ना दूसरे कज़न ने आवाज़ निकाली, वो समझे कि जो है ना अजान हो गई, तो उसने जल्दी से मुँह में समोसा रख लिया, और फिर हमने बोला भाई अजान नहीं हुई अभी, तो जल्दी से समोसा मुँह से बाहर निकाली, और ये मुझे तो पता ही नहीं था, ये नहीं था, मतलब ऐसा किस किस के साथ होता है। आप यकीन जाने मम्मा मैं बताती हूँ कि मेरे बचपन के अंदर मतलब मम्मा के बचपन के अंदर मम्मा बताती हैं कि मम्मा के बचपन के अंदर जो है ना उनकी मम्मा की जो मम्मा थी मतलब आई थिंक मेरी नानी मींस मेरी नानी, तो वो जो मम्मा बताती हैं कि जो है ना वो मतलब असली घी लगाकर रोटियों के ऊपर चिपड़ के और उसके ऊपर जो है शक्कर डाल के उसका रोल बना के देती थी, और जो है या फिर लहसुन मिर्च की चटनी वगैरह जो होती है वो लगा के देती थी, और मम्मा ने हमें भी खिलाया, हमें भी बहुत मज़े की लगती है वो, तो और अच्छा भी लगता है कभी कभार कुछ ज़्यादा मतलब इस तरह की चीज़ें खाने का दिल नहीं चाहता, तो भले रोटी पे जो है मतलब चुपड़ी हुई रोटी की वो मम्मा जो है उसके अंदर जो है शक्कर भर के दे देती हैं वो खा लेते हैं, या फिर जो है लहसुन मिर्च की चटनी लगा के दे देती हैं, तो ये भी अच्छा लगता है मुझे तो ख़ास तौर के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा और अच्छा लगती हैं जी। तो आप लोग मेरी YouTube फैमिली है, तो मैंने आपसे सारी बातें अपनी शेयर करी और अच्छा भी लगा मुझे आप लोगों से बातें शेयर करके, क्योंकि आप हर बात को जो है मतलब अच्छे तरीके से सुन रहे होते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो चलें अब आप लोगों से बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं और मैं बहुत ज़्यादा बोल चुका हूं, तो आ जाए मम्मा जो है आज आपको जो है A few moments later. अस्सलाम वालेकुम। अरे क्या कर रही हैं आप, मुझे बता तो दिया था वीडियो बना रही हो, बेटा कोफ्ते बना रही हूं, कोफ्तों का मैं जो है वो रेसिपी दे चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशाबाद होंगे। बस आज मैं कोफ्ते बना रही हूँ, तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, और अमान एकदम जो है वो पीछे से आके मेरी वीडियो बना रहे, तो मैं इनको यही कह रही हूँ बेटा मुझे बताओ क्या मेरी वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग जिसको इसकी कोफ्तों की रेसिपी चाहिए तो आप लोग मेरे जो है वो लिंक में जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने रेसिपी पहले से दी हुई है, और आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो समझ में कुछ नहीं आता तो बस यही होता है कि बस आज मैं जो है वो देखे कोफ्ते बना रही हूँ, और माशाल्लाह से कौन से नरगिसी कोफ्ते ना भाई, नहीं बेटा ये प्लेन कोफ्ते हैं, तो मैं जो कोफ्ते बनाते हुए जो है वो थोड़ा सा पानी का या ऑयल का हाथ लगा लेती हूँ, मैं पानी का हाथ लगाती हूँ ताकि जो है वो तो भी एक बाइंडिंग सी जो है वो कोफ्तों में हो जाए, और गोल शेप दे दूँ मैं इसका, थोड़ा सा हाथ को जो है मैं पानी लगा के थोड़ा सा वो कर लेती हूँ, ये देखिए ताकि कोफ्तों में एक शेप आ जाए, आप चाहें तो ऑयल लगा सकते हैं। और मुझे छोटे छोटे कोफ्ते बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा सा कोफ्तों का साइड देखें इस तरह से बढ़ा लेती हूँ, तो बस इस तरह जो है वो साइड में करके कोफ्ते डालें,
और देखिए मैंने अभी डाले हैं कोफ्ते, मेरे ख्याल से एक मिनट भी नहीं हुआ। और देखिए ये माशाल्लाह से कोफ्ते देखें कितने ज़बरदस्त। और बहुत सारे लोग हैं जो अमान के चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं, और अमान जो है वो माशाल्लाह से स्टूडेंट भी हैं और जॉबलेस भी हैं, तो माशाल्लाह से ये प्राइवेट जो है पढ़ते हैं और उसके बाद ये जॉब भी करते हैं, और इनका ये एक शौक़ हो गया है यूट्यूब पे जो है वो बनाने का, वीडियो बनाने का। तो माशाल्लाह से जब ये फारिग होते हैं तो ये वीडियो भी बनाते हैं। तो आप लोग सब दुआओं में याद रखिएगा, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स का शुक्रिया। आप लोग सब मेरे बच्चे को इतना अच्छा जो है वो हौसला अफजाई करते हैं, तो माशाल्लाह से जब उसको टाइम होता है तो वो वीडियो बना के छोड़ते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो आप लोग जो है मेरे बेटे को अप्रिशिएट करते हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। तो बस यही होता है कि वो जाहिर सी बात है अभी माशाल्लाह से उन्होंने जो है वो बीकॉम तो कंप्लीट कर लिया ना। यस। और अब क्या कर रहे हैं? अब मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो ये कर रहे हैं और जॉबलेस भी हैं। तो माशाल्लाह से ये दोनों तरफ जो है अपना, फिर उसके बाद ये वीडियो बनाते हैं। तो ये इनका अपना एक शौक है, अपनी हॉबी है। तो हर बच्चे के माशाल्लाह से अलग अलग शौक होते हैं। तो देखिए साथ साथ में बातें भी करती जा रही हूँ और कोफ्ते भी डालती जा रही हूँ। और माशाल्लाह बातें करते करते बड़ी जल्दी जल्दी जो है वो काम हो जाता है। तो देखिए माशाल्लाह से मेरे तकरीबन जो है वो सारे कोफ्ते जा चुके हैं, बस दो तीन ही बचे हैं। और मैं अमान से ही पूछ लेती हूँ कि आपको पैटीज खाना है, यानी वो होता है ना बच्चों को कि कोई बच्चा कहता है कि हमें देखें वो करें, ये देखें। मेरा इरादा था कि मैं मलाई कोफ्ते बनाती हूँ, मेरा मलाई कोफ्ते बनाने का इरादा था कि मलाई कोफ्ते बनाती हूँ, लेकिन वो फिर मेरा होता है मसला कि मुझे जो है वो मतलब इतनी ऑयली चीज़ें नहीं खानी होती है, मैं ब्लड प्रेशर की दवाई लेती हूँ तो मुझे इतनी ऑयली चीज़ें जो है वो मना है, तो फिर मलाई कोफ्ते जो है वो मैं नहीं खा सकती थी। तो फिर मैंने कहा चलें सादे जो है शोरबे वाले कोफ्ते हैं वो बना लेती हूँ। और कभी कभी दिल नहीं चाहता कि बहुत सारा कुछ बनाएं, बस ये होता है कि हल्का फुल्का सा एक जो है वो। मैं भी जा रहा हूँ रात का खाना खाने के लिए, रात के खाने के अंदर जब मम्मा ने कोफ्ते वगैरह बनाए, तो चले आ जाए पहले रात का खाना खाते हैं, फिर रात के खाने के बाद आगे उन्हें आपसे शेयर करेंगे और रूटीन क्या होगी, पहले खाना वगैरह खा लें। तो आ जाए जी मम्मा। तो गाइस मैंने खा लिया है रात का खाना, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरी मदर को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे हर वीडियोस के ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे लाल कलर का बटन आ रहा होगा तो उसको प्लीज़ प्रेस कर दें। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी मदर को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह पाक जो है सबको अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम।